हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेलारस के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में। इसके बारे में जानने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10 पे जो मूवी है उसका नाम है इनविजिबल पैराडाइज, जो कि 2020 में रिलीज हुआ था और इसको IMDb पे 7.6 का रेटिंग मिला हुआ है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डारिया इरकोविच और इसके स्टारकास्ट है आलेसिया पोलेभैया, मैरिना पोलेभैया, ओलिया पोलेभैया, यूलिया पोलेभैया और डानियला पोलेभी। ये एक डॉक्यूमेंटरी मूवी था। नंबर 9 पे है इनसाइट, जो कि 2009 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 7.6 का रेटिंग मिला हुआ है और इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं रेनाटा ग्रिंडस्कोवा और इसके स्टारकास्ट है बोगडान स्टुपका, इरीना रोजनोवा, ओनगा इवानोवा, अलेक्सा सेटको, विक्टर राइफचेंकी, एनाटोली एटफिस्ट की, आला पोपला विस्काया, एंड्री डॉस्किन, व्लेडिमिर मिस्टुनचक, ओक्साना लेसनाया, ओल्गा नाफिडोवा, ओल्गा स्पोटोसुभा, निकोले किर्चनको, वैलेरी कोस्चिप, गेनाडी डाबियको। ये एक ड्रामा मूवी था। नंबर 8 पर है ई वैटसेट सी हैंडसेट। ये 2016 में रिलीज हुआ था, जिसको 7.6 का रेटिंग मिला हुआ है IMDb पे और इसको डायरेक्ट किए हैं एंड्रे क्रिवास्की और ड्रिमाटी रोकोविस्की और इसके स्टारकास्ट है सर्गी योरोविच। ये मूवी एक शॉर्ट ड्रामा मूवी था। और नंबर 7 पे है डेब्यूट, जो कि 2017 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 7.6 का रेटिंग मिला हुआ है और इसको डायरेक्ट किए थे एनास्टासिया मिर्सुनेचेंको। ये एक डॉक्यूमेंटरी मूवी था। नंबर 6 पे है ग्रानी वनिया एंड द गोट। ये मूवी 2014 में रिलीज हुआ था, जिसको IMDb पे 7.7 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए थे डारिया इरिकोविच और इसके स्टारकास्ट है व्लादिमीर ओजरिस्के, वेरा टोकारेवा और वैलेंटिना चुखावेट्स। ये एक शॉर्ट ड्रामा मूवी था। नंबर 5 पर है रिले रेस, जिसको IMDb पे 7.7 का रेटिंग मिला हुआ है और ये मूवी रिलीज हुआ था 2016 में, जिसको डायरेक्ट किए थे मिखाइल पार्कोमेंका और इसके स्टारकास्ट है सर्गे प्रोकोपिच, ओल्गा रेप्टुक, एंड्रू सेंकिन, सर्गे व्लासोव, व्लादिमीर वोरनकोव, सर्गे जोडरनकोव। ये एक शॉर्ट कॉमेडी मूवी था। नंबर 4 पे है वायर इज द किलो वाला गन गॉन। ये मूवी 2014 में रिलीज हुआ था, जिसको 7.8 का रेटिंग मिला हुआ है और इसको डायरेक्ट किए थे वासिली सायबुल्का। स्टारकास्ट में है अलेक्जेंडर मार्टिन्यूक और वासिली टाइसबुल्का। ये मूवी एक डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट एडवेंचर मूवी था। नंबर 3 पे है निकिटा लावरेस्टेस्की। ये मूवी 2019 में रिलीज हुआ था, जिसको IMDb पे 8.1 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए थे निकिटा लावरेस्टेस्की और इसके स्टारकास्ट है वोला खागुलियोवा, डानिला लावरेस्टेस्की और निकिटा लावरेस्टेस्की। ये मूवी एक डॉक्यूमेंटरी बायोग्राफिकल और थ्रिलर मूवी था। नंबर 2 पे है ब्लैक डॉग, जो कि 2019 में रिलीज हुआ था और 8.1 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए थे अलेक्जेंडर फ्रांस लेविस गाय और इसके स्टारकास्ट है अलेक्जेंडर अबरकोव, पाभेल डिलोंग, मिट्री एगोरोव, व्लादिमीर एफी फ्लांटेसिव, पुरकत फायाजियव, अलेक्जेंडर फ्रांसविक लाय, पाभेल हरेंसकाइक, क्रिस्टिना जाब्रिड, एंटोन जुकेव, एंड्री काराको, एंटोली कॉट, विक्टोरिया मासोलोभा, राफेल मुकैव और करीना राजोमो बस गया। और ये मूवी एक एक्शन मूवी था। नंबर 1 पे जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप बांग्लादेश के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं। नंबर 1 पे है सिनेमा गया। ये 2017 में रिलीज हुआ था, जिसको 8.2 का रेटिंग मिला हुआ है और इसके स्टारकास्ट है भोला काबालियोभा, निकिता लावरेस्टेस्की और अलेक्से सिवरिक्स्की। ये कॉमेडी जॉनर का टीवी सीरीज था। तो दोस्तों, ये तो थे बेलारूस के टॉप 10 मूवीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।